पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की थाना मजूला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुतलीघर रोड लाइन पार इलाके में चल रहे एक संदिग्ध कॉल सेंटर पर छापा मार कर जांच पड़ताल की तो पुलिस हैरान रह गई। कॉल सेंटर में बैठी दो युवतियां पहले तो पुलिस को जांच पड़ताल में घुमाती रहीं, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों शातिर युवतियों ने पुलिस को बताया कि वो लोगों को कारोबार के लिए लोन दिलाने के नाम पर कॉल करती हैं और उनसे सभी जरूरी दस्तावेज लेकर केवाईसी के नाम पर किसी से 4,000 रुपए तो किसी से 10,000 रुपए, किसी से 20,000 ऑनलाइन बैंक खातों में डलवा लेती हैं। बाद में ये पैसा कॉल सेंटर चलाने वाले योगेश, रविंद्र, कविंद्र और नमन बैंक से निकाल लेते थे। लोन के लिए खाते में पैसे डालने वाला व्यक्ति जब बार बार लोन अप्रूव न होने की बात बोलता था तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर लोन पास न होने की बात बताकर उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए शांत करा देती थी। ये आज थाना मझोला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि हम लोग पूर्व में भी इस प्रकार की कार्रवाई करते रहे हैं, अभी हाल में एक एक्सचेंज पकड़ा गया था जो विदेशी कॉलिंग को हमारे यहाँ करवा रहा था अवैध रूप से। आज एक थाना मझोला क्षेत्र में एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है जो लोगों को फर्जी तरीके से लोन देने का झांसा देके और उनसे पैसे ऐंठते थे। इसमें दो महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं जो वहां पर इसका संचालन करवा रही थी, और इसका जो मुख्य संचालक है योगेश, जो अभी फरार है। इन महिलाओं से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग, इनको कुछ डाटा प्राप्त होता है कुछ लोगों का, इनके फ़ोन नंबर्स होते हैं और ये इनके दो टीम हैं। एक उन ग्राहकों से संपर्क करते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या आपको लोन की आवश्यकता है, और जो लोग इच्छा जाहिर करते हैं उनको दूसरा इनका जो पेमेंट सेक्शन है उसको उनको रेफर किया जाता है। पहला सेक्शन इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जब उनको वो डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो ये लोग वेरिफिकेशन के लिए उसको दूसरे सेक्शन को देते हैं, और दूसरे सेक्शन से जो अन्य लड़कियाँ वहाँ काम कर रही थी वो फ़ोन करती हैं उनको, और उनके द्वारा कहा जाता है कि आप तो लोन दिलाने के लिए जो स्टैम्प है उसका, ईच स्टैम्प का आपको कुछ पैसा 1,000 रुपया देना होगा। तो जो लोग इसमें अपनी इच्छा जाहिर करते हैं वो लोग इनके दिए गए बैंक अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र करवा देते हैं। कुछ लोग इनको पहली EMI के नाम पर भी इनसे कुछ पैसा ये लोग कई बार वसूल कर लेते हैं। तो इस प्रकार एक प्रोसेसिंग फीस या ई स्टैम्प के शुल्क के रूप में ये लोग लोगों से फर्जी तरीके से कॉल करके लगातार ठगी कर रहे थे। इससे और पूछताछ के दौरान पता चला कि इनको एक काव्येंद्र पुत्र रामकुमार, ये थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इनका भांजा नमन, ये दोनों मिलके ये डाटा इनको प्रोवाइड कराते थे और उस डाटा पर ही इनके कॉल सेंटर से फ़ोन किया जाता था। जो डाटा था वो काव्येंद्र रवि को देता था और रवि के द्वारा ये योगेश को मिलता था, और योगेश इन जो महिलाएं इनके माध्यम से उस कॉल सेंटर को संचालित कर रहा था। इस प्रकार बड़ी संख्या में लोगों को इनके द्वारा चूना लगाया जा रहा था। इस प्रकार ये इनकी गिरफ्तारी से एक महत्वपूर्ण सफलता है, साथ ही लोगों को जो फ्रॉड इस तरह के आजकल जो किए जा रहे हैं कॉल सेंटर के माध्यम से, उस पर एक प्रभावी अंकुश लगेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।